तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डेमो के लिए पेपर का पीस लिया है, तो आप देखते रहिए। आपको पहले सीधी लाइन खींच लेनी है। मैं आपको 15 इंच के कॉलर की कटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए। 15 इंच के लिए हमें उसका आधा हिस्सा 7.5 इंच आएगा, तो 7.5 इंच नहीं लेना है हमें, 7.25 इंच लेंगे, 1.25 इंच उसमें माइनस कर देंगे। तो आप देखते रहिए, बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। 7.5 इंच लेंगे, आपका जो भी माप है उसमें 1.25 इंच आपको माइनस करना है। फिर उस निशान से एक लाइन खींच लेंगे सीधी, फिर ये जो नीचे वाला जो निशान हमने मार्किंग लगाई थी उससे 1.25 इंच पर ऊपर एक निशान लगाएंगे। फिर निशान लगाने के बाद दोस्तों, आपको एक राउंड शेप की इस टाइप की पट्टी लेनी है, इसी से हमारी सही से कॉलर कटिंग होगी। तो आपको इस तरह से पट्टी रखनी है किनारे पे, ये दोनों निशान मिला लेने हैं, फिर उसे मार्किंग करनी है उसी पर। मार्किंग हो जाने के बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारे कॉलर की ब्रॉडनेस हमने 1.25 इंच लेनी है, तो 1.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे हम। फिर हम क्या करेंगे कि इस वाली लाइन से, ये देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा देंगे। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, ये 3 सेंटीमीटर पर एक निशान लगेगा हमारा। फिर इस निशान से भी हमें 1.25 इंच पर एक फिर से इस तरह मार्किंग करके, फिर नीचे से भी 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। तो मार्किंग हो जाने के बाद हमें फिर से वही पट्टी लेकर थोड़ा सा, देखिए इस तरह से रखकर आपको फिर से मार्किंग कर लेनी है। अब इस निशान से नीचे वाले निशान को मिला लेना है। तो ये हमारी कॉलर तैयार हो गई है। अब इसमें हम, आप चाहे तो राउंड शेप भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से करके राउंड शेप की कॉलर भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको चलिए कट करके बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। आप अगर इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से कॉलर बैठेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे YouTube चैनल टेलर बडी को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।